वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 42 जो कि है 22 अगस्त की वर्कशीट 6th to 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आइए चलते हैं, देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। उससे पहले हम बता देते हैं, ये हम वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश में, फिर हम देखेंगे इसी वर्कशीट को हिंदी में। विद द कमिंग ऑफ मॉनसून वी हैव गॉट अ बिग रिलीफ फॉर समर हीट। जैसे कि आप जानते हैं कि अब मॉनसून आने वाला है और अब हमें इस गर्मी से थोड़ी सी निजात मिलेगी। एंड देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर, अब हर जगह पे जो है नए नए पत्ते आ जाएंगे जिस वजह से पूरी जगह पे अच्छे से ग्रीनरी हो जाएगी। विच सूदेस द आई, मतलब आंखों को अच्छा लगता है, जिससे आप देखते होंगे आप कोई ग्रीन पार्क में चले जाएं जहाँ पे पार्क बहुत सारी हरियाली हो, बहुत अच्छा लगता है देखने में। We have started taking precautions as monsoon brings many waterborne and other diseases. तो आपने उम्मीद करते हैं हम कि आपने भी बहुत सारे precautions, मतलब पहले से ही परहेज करना start कर दिया होगा। कौन से? जो पानी से होने वाली जो diseases हैं उनसे, जैसे कि डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया etc. तो क्या क्या precautions हैं वो जरा देख लेते हैं। Precautions which are usually we drink boiled water, ध्यान रखें हमेशा उबला हुआ पानी पिए, उबला उबाल के ठंडा करके पानी पिए। We do not let water collect in cooler, old tires, open water tanks. तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब कूलर जो है बंद करने का टाइम आने वाला है, जब भी आप बंद करने लगे तो उसके अंदर ध्यान रखें कोई पानी ना हो। और अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से दवाई डालने के लिए पहले आते थे तो वो दवाई डाल के जाते थे, मेक श्योर आप पानी के अंदर वो दवाई जरूर डालें। और कहीं पर भी आपको रुका हुआ पानी दिखाई दे, जैसे कि पुराने टायर में, सड़क के आसपास भी, देखो आपके घर के, आप सिर्फ घर की सफाई करेंगे और बाहर की नहीं करेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी। घर के एकदम सामने अगर सपोज करो पानी इकट्ठा हो रहा है तो झाड़ू लगा दें ताकि वहां पे पानी इकट्ठा ना हो। और अगर ऊपर छत पे जाके पानी रुका हुआ है, टैंक में रुका हुआ है, और उसको भी साफ करते रहें कुछ कुछ टाइम बाद, बिकॉज इन सब से क्या हो जाता है, छोटे छोटे मच्छर पैदा हो जाते हैं और वो आपको ये बीमारियां दे सकते हैं, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, ये सारे। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूर आप इस जो इस इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करें, इस वर्कशीट को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं, इन्होंने कुछ डेटा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है डिजीज के नाम और नीचे दे रखे हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स बेसिकली। तो ये एक डाटा है एक वीक का, एक स्पेसिफिक वीक का किसी एक शहर का, ठीक है। यहाँ पे 86 पेशेंट है जो डेंगू जिनको हुआ है, 122 है जिनको मलेरिया है, 231 टाइफाइड, इस तरीके से इन्होंने सारी की सारी कोल्ड एंड कफ 543 पेशेंट्स हैं तो यहाँ पे दे रखा है। इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आइए चलते हैं उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, नेम द डिसीज शोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स। सो कौन से पेशेंट सबसे ज्यादा हैं? आपने देख ही लिया यहाँ पे कोल्ड एंड कफ, तो आप पहले वाले में आंसर यहाँ पे लिख देंगे कोल्ड एंड कफ। तो पहले का आंसर हो गया कोल्ड एंड कफ। दूसरे में हम क्या लिख देंगे, नेम द डिसीज शोइंग द लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, तो सबसे कम आपको किसमें दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो दिखाई दे रहे हैं 86, मतलब डेंगू, तो डेंगू में सबसे कम है, तो हम यहाँ पे जो आंसर लिख देंगे वो लिख देंगे डेंगू। तो इस तरीके से हमारा दूसरा आंसर हो गया। थर्ड आंसर पे चलते हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स। मलेरिया में कितने पेशेंट्स, मतलब मलेरिया जिनको हुआ है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 122, तो यहाँ पे 122 यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी पेशेंट्स ऑफ डायरिया एंड चिकनगुनिया टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है प्लस करना, कि इन दोनों में मिला के कितने पेशेंट्स हैं। तो डायरिया में अगर हम देख लें तो यहाँ पर 385 है और चिकनगुनिया में 95, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 390, और 90 उसके अंदर प्लस कर देते हैं 480, तो 480 हम यहाँ पर लिख देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अदर प्रिकॉशंस शुड वी टेक ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन।
तो इसका आंसर जो है हम हिंदी वाले आंसर्स वर्कशीट के बाद हम इकट्ठा दिखा देंगे हिंदी के आंसर के साथ। आइए चलते हैं, इसी सेम वर्कशीट को हम देख लेते हैं हिंदी में। आइए बच्चों, अब इसी वर्कशीट को हम हिंदी में देख लेते हैं। हमने पहले ही समझ लिया है कि वर्कशीट जो है मॉनसून के बारे में है और उसके हमें कैसे बचना है, प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं उसके बारे में। तो वर्कशीट में डिटेलिंग सारी की सारी वही है। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं? तो ये आपने देख लिया है यहाँ पे कोल्ड एंड कफ, वहाँ पे आंसर था। हिंदी में हम उसे बोलते हैं खांसी एंड जुकाम। खांसी जुकाम का जो है हमारा यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न एकदम उन्होंने सेम दे दिया है गलती से। तो अगर इस प्रश्न का आंसर देना है तो सेम आंसर आएगा सर्दी जुकाम। बट आपने इंग्लिश की वर्कशीट में देखा था कि उन्होंने पूछा था सबसे कम, तो सबसे कम इसको काट के आप सबसे कम लिख देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा डेंगू। तो वो आंसर अगर सबसे कम का देखेंगे तो ये रहा आपका डेंगू आंसर। तो आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। मलेरिया के कितने मरीज हैं? मलेरिया के कितने मरीज हैं यहाँ पर हमने देख लिया है, यहाँ पर है 122, 122, 122 जो है मरीज आपके मलेरिया के हैं। यहाँ पे 122 हम आंसर लिख देंगे। आगे है डायरिया और चिकनगुनिया के कुल कितने मरीज हैं? तो डायरिया का कहाँ पर है ये रहा, तो डायरिया के कितने हैं 385 और चिकनगुनिया हो गए 95। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 480। तो 480 आपका यहाँ पर आंसर हम लिख देंगे। आइए चलते हैं थर्ड प्रश्न पे। बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए हमें और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? आइए इस आंसर को हम लिख देते हैं। एक सैम्पल आंसर हमने बना रखा है और इसको देखते हुए आप अपना आंसर खुद भी बना सकते हैं। तो ये आंसर हमने पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे हमने इसको इसी आंसर को हमने हिंदी में भी लिखा है। तो ड्यूरिंग मॉनसून वी शुड वियर फुल स्लीव्स, पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमें मॉस्किटो ना काटे। उसी तरीके से निक्कर भी नहीं पहननी चाहिए, शॉर्ट्स भी नहीं पहनने चाहिए ताकि हमारे पैरों पे भी मच्छर ना काटे, जूते पहन के रखें। ये और भी हम प्रिकॉशंस आपको बता रहे हैं और ये आप करेंगे तो बेटर होगा। वी शुड ट्राई टू ईट होम कुक, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद मच्छर मक्खी बैठते हैं तो उसको खराब कर देते हैं। और ये तो वैसे भी अच्छी बात है, घर का खाना ही खाना चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। ये तो आपने कोरोना में सीख ही लिया होगा कि हाथ धोना चाहिए और वैसे भी धोना चाहिए चाहे कोरोना हो या ना हो। और कभी भी आप स्नीज करें तो अपने हाथ मुंह पे रखें, उसको कोशिश करें हैंकी से अपने आप को कवर रखने के लिए। वी शुड स्टे हाइड्रेटेड एंड स्लीप वेल, और हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि हम पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और सेम आंसर जो है आपको यहाँ पे हिंदी में भी दिख रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।